हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आप लोग नए हैं तो वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड, आप लोग जहाँ जहाँ देख रहे हैं, आप सबको नमस्कार सोनी भाभी की तरफ से। तो मैं काफी टाइम से ब्लॉग नहीं डाल रही थी फ्रेंड, तो मैं सोची कि आज ब्लॉग डाल दूं। आज मेरी थोड़ा बहुत तबीयत सही लग रही है, सर्दी जुकाम है 2-4 दिन से, बुखार भी थी, तो फिलहाल मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग कैसे हैं, कहाँ कहाँ से, कमेंट में जरूर बताइएगा और लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहे फ्रेंड। कुछ कहना था आप लोग से तो बिना सुने हुए आप लोग हमारे वीडियो नहीं कट कीजिएगा, अगर कट करने का मन होगा तो भी नहीं। मैं वीडियो बना रही थी फ्रेंड, तो उसी टाइम थोड़ा दूर में ही बाजा बज रहा था स्पीकर, तो उसकी आवाज आ रही थी, इसलिए हमको अलग से फिर से आवाज देना पड़ा। और मैं बोल रही हूँ और जब मैं बाद में सुनी तो स्पीकर की आवाज आ रही थी, तो फ्रेंड का भी रेड क्राइम आ जाता है, इसकी वजह से मैं फिर से दोबारा आवाज दे रही हूँ, और इसलिए कि काफी रेड क्राइम ना आए। और कुछ लोग फ्रेंड ऐसे हैं कि मतलब लाइव में आ रहे थे और मेरे टाइमिंग चेंज हो गया है, इसकी वजह से मतलब मेरे फ्रेंड लोग को पता नहीं है कि मैं लाइव कब आती हूँ। तो फ्रेंड मैं बता दूँ कि रात को 9 बजे लाइव आती हूँ मैं, सोनी ऑफिशियल, सोनी सोनी सिंह ऑफिशियल चैनल का नाम है फ्रेंड। तो आप लोग जरूर आइएगा, नाइट में रात को 9 बजे लाइव आती हूँ, भूलिएगा नहीं आप लोग। और हमारा शॉर्ट वीडियो है फ्रेंड, तो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ तो आप लोग का मनोरंजन हो जाए। ऐसा वीडियो मैं बनाती हूँ, लेकिन आप लोग देखिएगा, आप लोग खुद बताइए कि वीडियो कैसा बनाती हूँ, नहीं बनाती हूँ, और थोड़ा बहुत फनी भी बनाती हूँ और थोड़ा बहुत ऐसे मतलब शॉर्ट वीडियो मतलब शॉर्ट गाने में बनाती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं छत पे आई हूँ फ्रेंड, क्योंकि नीचे इतनी ठंड लग रही है, अभी तो शाम का टाइम है फ्रेंड, तो छत पे ठंड लग रही थी, तो सोचे कि चलो छत पे ही घूम के कुछ बातें हो जाए। और ये देखिए चारों तरफ खुला खुला ही जगह है फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है खुला जगह में, और हमको खुला जगह बहुत पसंद है, क्योंकि मैं गांव में भी रहती हूँ तो मैं घर में टिकती नहीं, क्योंकि हमको खुला जगह ही हमको पसंद है, हमको अच्छा लगता है खुला जगह रहना। तो इधर देखिए चारों तरफ खुला खुला जगह है फ्रेंड, और इधर कपड़ा डाली है भाभी, और मैं इधर ब्लॉग बना रही हूँ, बच्चे लोग को भी देखना है बच्चे लोग क्या कर रहे हैं नीचे। अभी चलूंगी नीचे देखने के लिए बच्चे लोग को। फ्रेंड आप लोग ब्लॉग में बने रहे हैं हमारे, और फ्रेंड आप लोग का बस दुआ आशीर्वाद चाहिए, और ऊपर वाले का तो दुआ है ही, तो फ्रेंड देर ही सही, पर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो भगवान भी जल्दी सुनेंगे, भगवान भी वही सुनते हैं जो 10 कहते हैं, क्योंकि अकेले का भला किसी का नहीं होता है, 10 चाहे तो सबका भला होता है। ये तो इसलिए मैं आप लोग से सपोर्ट मांग रहे फ्रेंड, आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। ठंड तो बहुत है फ्रेंड, ठंड से बच के रहिएगा, और नया साल आ रही है, नया साल में एंजॉय होना चाहिए और कुछ नहीं। और अगली बार तो मैं गई थी पिक्चर देखने के लिए, और इस बार मतलब कोई प्रोग्राम तो है नहीं फिलहाल, अभी मेरी तबीयत सही हो जाए उसके बाद मैं सोचूंगी कहीं जाने के लिए। मैं फिलहाल देखती हूँ बच्चे लोग क्या कर रहे हैं नीचे हैं। तो फ्रेंड
चुपचाप जाओगे क्योंकि वो मोबाइल देख रहा होगा, मोबाइल ही देख रहा होगा, क्योंकि ये लोग का मोबाइल किसी को कुछ दिखता ही नहीं है। ये देखिए, ये सब मोबाइल में ही बिजी है, और मेरा भतीजा और जिगर भी। हमारी पीहू गुस्साई हुई है, क्यों गुस्साई हुई है बेटा पता नहीं। उसके बाद जब पूछे हैं ये लोग सब, तो पता चला है कि दीदी इसको डांट लगाई है, हमारी भी है। क्यों? ये देखिए, मोबाइल में पिक्चर देख रहा था, और पीहू डांट खाई है क्योंकि ये फेविकॉल, ये फेविकॉल ही शायद वो कुछ चिपकाते हैं, वही बच्चे के हाथ उथ पे डाल दिए होंगे, इसलिए मतलब इसको डांट पड़ी है। तो ये लग रहा है सो गई है, का सही भी सो गई है, डांट खाई है सो गई है ये लोग। अरे ये लोग का ट्यूशन का टाइम हो गया, ये लोग अभी जा नहीं रहा है। ये देखिए सब भागेंगे ट्यूशन, ट्यूशन का टाइम इन लोग का हो गया है, उठ नहीं रहा है। हमारी बहनी सोई है नींद से, उधर देखिए अच्छे से सुला दो उसको, और उसको मतलब उठ गई है, रो रही है, तो मैं इसको सुला देती हूँ। रोएगी तो फिर परेशान करेगी, इसको मारिया हमसे भी गुस्सा रही करे, जाओ तो हमसे भी गुस्सा रही है। तो मैं थोड़ा सा दुलार कर दी, फिर क्या हुआ हमसे क्यों गुस्साई हो तुम तो? हमको करे जाओ तो हम बात नहीं करेंगे। अरे वाह, तो इसका आवाज सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा आवाज है इसका, बहुत लड़ती भी है हमसे। ये इसको दादी के पास अच्छा लगता है, तो गांव में ही अच्छा लगता है, गांव में इधर तो घूमने को मिलता है ना, इसलिए पढ़ती नहीं है, पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहती है, पढ़ने में बहुत कंजूसी, मत पूछिए कितना कंजूसी करती है। तो फ्रेंड क्या बताएं, और आज मैं थोड़ा बहुत सही हूँ तो मत पूछिए। 2-4 दिन से इतनी हालत खराब थी हमारी, इतनी हमारे सर में दर्द हो रहा था, बुखार था फ्रेंड, और तंग आ गई थी मैं। तो ये देखिए, मैं सुबह सुबह नहाई धोई, और ठंडी तो लग ही रही थी फ्रेंड, आजकल धूप भी उतना अच्छा नहीं निकलता है, और निकलता है 12-1 बजे तो वो भी मतलब जल्दी शाम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, शाम जल्दी हो जाता है। और फ्रेंड अभी बता दूं, अभी यही टाइम होगा शाम के 5 बज रहे होंगे, अभी टाइमिंग बता रहे हैं, शाम का टाइम 5 बज रहा होगा। बच्चे लोग चले गए हैं ट्यूशन कोचिंग करने के लिए, और बच्चे बहनी पीहू हमारी सो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड हमारा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।